यूपी सीएम आवास के बाहर महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। बाली बीजेपी विधायक ने किया बलात्कार। दुष्कर्म के मामले में उनाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। यह देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। दुष्कर्म के मामले में उनाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। यह देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। महिला ने कहा, मेरे साथ बलात्कार हुआ, एक साल से न्याय के लिए गुहार लगा रही हूँ, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। महिला ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने पर भी धमकी दी गई थी। आरोपी इतने प्रभावशाली हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस महिला को सीएम आवास के सामने से गौतमपल्ली थाने लेकर आई, जहां पूछताछ चल रही है। इस मामले में एडीजी लखनऊ राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म व मारपीट का आरोप लगाया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 10 से 12 वर्षों से दोनों पक्षों के बीच झगड़ा चला आ रहा है। महिला की तहरीर के मुताबिक पिछले साल जून में दुष्कर्म हुआ था। दोनों मामलों की जांच लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई। बांगरमऊ और उनाव पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। महिला ने कहा कि उनाव पुलिस विधायक के दबाव में कार्य कर रही। न्याय न मिलने पर उसे लखनऊ आकर मुख्यमंत्री आवास के सामने खुदकुशी की कोशिश करनी पड़ी।